महाराष्ट्र में 15 दिन का लॉकडाउन, आज मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया फैसला। राज्य में 15 मई तक रहेगा लॉकडाउन, राजेश टोपे ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार करेगी 15 दिन के लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला, राजेश टोपे का बयान। महाराष्ट्र में सभी को लगेगा मुफ्त वैक्सीन, राज्य सरकार ने आज बैठक में लिया फैसला। 18 से 44 उम्र के सभी लोगों को मुफ्त में लगेगा वैक्सीन, कुल 5,71,00,000 लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का लिया गया फैसला। 18 से ज्यादा उम्र वालों के लिए आज से शुरू हुआ वैक्सीन रजिस्ट्रेशन, कोविन वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्टर। महाराष्ट्र में 1 मई से 18 से ज्यादा उम्र वालों को नहीं लगेगा वैक्सीन, मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया फैसला, राजेश टोपे ने दी जानकारी, कहा वैक्सीन की कमी के चलते लिया गया फैसला। 18 से 44 उम्र के लोगों के लिए अलग वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाएगा, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी जानकारी, अलग वैक्सीनेशन सेंटर में होगा टीकाकरण। महाराष्ट्र के सभी सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स में मुफ्त में लगेगा वैक्सीन, वहीं प्राइवेट सेंटर को राज्य सरकार पैसे में देगी वैक्सीन। महाराष्ट्र सरकार का 6 महीने में राज्य की सभी जनता का वैक्सीनेशन पूरा करने का टारगेट, वहीं प्रति महीने 2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करने का टारगेट। महाराष्ट्र की जनता के वैक्सीनेशन के लिए राज्य सरकार वैक्सीन पर 6,500 करोड़ करेगी खर्च। मुफ्त वैक्सीन पर मुंबई महानगर पालिका का बड़ा बयान, मुंबई में 18 से ज्यादा उम्र वालों को मुफ्त में नहीं लगेगा वैक्सीन, प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर करना होगा टीकाकरण। मुंबई में 1 मई से 18 वर्ष के लिए शुरू होने वाले टीकाकरण की अगली चरण में सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों में लगेगा वैक्सीन, बीएमसी ने दी जानकारी। बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन की कमी के चलते फिर बंद हुआ टीकाकरण, केंद्र द्वारा मुंबई को 1,85,000 वैक्सीनेशन मिलने के बाद सभी वैक्सीनेशन सेंटर में शुरू हुआ था वैक्सीनेशन, लेकिन 2 दिन के अंदर फिर वैक्सीन की कमी को देखते हुए वैक्सीनेशन बंद किया गया। बीएमसी द्वारा जम्मू वैक्सीनेशन केंद्र में वैक्सीनेशन ना होने के कारण टीकाकरण बंद होने की जानकारी देने के बावजूद बीकेसी जम्मू वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर देखी गई लोगों की लंबी कतार। थाने के मुमरा में नॉन कोविड अस्पताल में लगी आग, 4 लोगों की मौत। अस्पताल में आग लगने के बाद थाने के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे अस्पताल पहुंचे और वहां का जायजा लिया, आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मुमरा के अस्पताल में आग से मरने वालों के घर वालों को राज्य सरकार 5 लाख देगी, वहीं नगर निगम भी 5 लाख देगी, कुल मिलाकर मृतकों के घर वालों को 10 लाख देगी सरकार। मुंबई में फिर कोरोना के मामलों में उछाल, करीब 5,000 नए मामले, बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,966 नए मामले आए सामने, वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 65,589 तक पहुंची। मुंबई में बीते 24 घंटों में कोरोना के 78 लोगों की मौत, वहीं 5,300 मरीज ठीक होकर अपने घर गए। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने राज्यों के लिए कोविड 19 वैक्सीन की कीमत में कटौती की घोषणा, वहीं वैक्सीन का दाम 400 से घटाकर 300 कर दिया गया। महाराष्ट्र में हवा से ऑक्सीजन बनाने वाले 132 एसपीए प्लांट लगाए जाएंगे, विजय वड़तीवार ने दी घोषणा। इंदुजा अस्पताल में आईसीयू की स्थापना करने के लिए अजय देवगन देंगे बीएमसी का साथ। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने की कोरोना मरीजों की मदद, दान किए 100 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स। मुंबई के धारावी में कोरोना के 25 नए मामले आए सामने, वहीं दादर में 50 और माहिम में 45 नए मामले आए। अजय गुंजाल की पुलिस कस्टडी में पिटाई, परिवार का आरोप, कोकिलाबेन अस्पताल में मौत, डीसीपी मंजुनाथ शिंगे का बयान, डेंगू के कारण हुई मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार।